अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर एक फाउंडेशन के द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए खाओ पियो खेलो कार्यक्रम के तहत पानी पीने का थर्मस, पैसे को बचाने के रखने के लिए गुल्लक और बिस्किट, पेंसिल, रबर का वितरण किया गया। वहीं स्लम बस्ती के बच्चों को शिक्षित कर रहे मिर्शाद अहमद खान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अंग वस्त्र से सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें अच्छा करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता रामजी योगेश, मुख्य तौर पर दैनिक जागरण के पटना सिटी प्रमुख एवं वरिष्ठ पत्रकार हाशमी जी, समाज सेवी रोटेरियन गोविंद चौधरी, समाज सेवी एस ए आजमी, समाज सेविका अंजू सिंह, बच्चों में शिक्षा का अलख देने वाले शिक्षक मीरशाद, समाज सेवी प्रमोद मिश्रा, फाउंडेशन के अध्यक्ष समी रहोतगी, सचिव अमित खत्री सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज क्रम 24 की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ बच्चों के बीच हम लोगों ने खाओ पियो खेलो अभियान चलाया और उसमें थर्मस, फुटबॉल और बिस्किट वगैरह का वितरण किया। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग जो है ये झुग्गी झोपड़ी जो गाय घाट पुल के नीचे है वहाँ हम लोग आए और यहाँ मीरशाद साहब जो है निशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और आज बाल दिवस है तो बाल दिवस के अवसर पर हम लोग तमाम समाज सेवी लोग के साथ यहाँ उपस्थित हम लोग हुए हैं और सौर भारत वेलफेयर फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने इन गरीब बच्चों के बीच जो है थर्मस और बिस्किट और जो बॉल है और उसके साथ एक गुल्लक भी हम लोगों ने दिया, एक संदेश देने का काम किए हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनमें भी शिक्षा का आलख जगे और वह महसूस करें कि जो निजी प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल हैं उनके बच्चे और हम में कोई फर्क नहीं है। यह फर्क या संदेश देने के लिए हम लोग जो है गरीब बच्चों के बीच आए हैं और हम लोग का यह जो है ये जो 8 पड़ाव चला उसमें ये 9वां पड़ाव बड़ा ही हमको सुखद अनुभूति दे गया, क्योंकि हम वैसे लोगों के बीच आए जहां लोग आना पसंद नहीं करते थे और उन लोगों के बीच अलग जगाने हम लोग आए हैं। और हमको और ज़्यादा खुशी तब होती है कि इस अलग जगाने में हमारे गवाह जो है गोविंद चौधरी जैसे रोटरी क्लब के हमारे जो है अध्यक्ष और हमारे आजमी भाई, हमारी अंजू जी, ये सारे लोग जो समाज में अपना स्थान रखते हैं उन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया है, इसके लिए इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यह जो है कारवां लगातार अभी जो है चलता रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे जगहों पर भी पहुंचे और हर आंगनबाड़ी केंद्र पटना जिला का हम लोग जो है टच करें और बच्चों को मुस्कुराहट बिखेरे। गरीबों के बीच में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो गरीब है, जिनके माँ बाप जो है पढ़ा नहीं सकते हैं, काम में लगी रहती है, उन ऐसे बच्चों को हमारे जो सर है यहाँ गाय घाट के द्वारा नीचे पुल के नीचे जिस जगह पे कोई लोग आना नहीं चाहते उस जगह पर जो इन्होंने कर दिखाया है ये बहुत ही पुनीत कार्य है। अगर इनकी प्रशंसा हम जितना भी कम करें वो कम है। और मैं खासकर संदेश लोगों को देना चाहती हूँ कि एक रोटी भले ही कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बेटियां पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। आपकी ये जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो झुंगी झोपड़ी में रहने वाली हैं, इनको पढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये समझे कि पटना सिटी में पहला क्रांति जो है गाय घाट पुल के नीचे से चल रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ाएंगे। और अभी अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि मैं मेयर बनना चाहती हूँ। मेयर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पद नहीं है, अगर जिस दिन मैं पद पढ़ाती हूँ तो ये गरीब जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं पहले भी लड़ाई लड़ चुकी हूँ, जो गरीब दस्ता के माध्यम से कई ऐसी झोंगी झोपड़ी में बसाने का काम करूँ। पटना सिटी में 9 जगह ऐसे हैं जहाँ पे दलित समाज के लोग आज भी अपना मकान बना के रह रहे हैं, चाहे मेहंदीगंज ले लीजिए, बागमालो खां में ले लीजिए, कैमा सिक्को में लीजिए, जहाँ पर सरकार ने उन्हें बस सरकार का काम है आपको हवा देना और हम लोग का काम है उससे छीनना, तो मैं सरकार को भी छीनूंगी उस जगह से।
जहां उन्होंने बोला है कि मैं ये करूंगा, 2 डिसमिल जमीन दूंगा, बेटियों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आज बेटियां पढ़ लिख के कहां तक बढ़ी है? जब तक उनके परिवार के लोग इनके कंधे पे भार नहीं देंगे तब तक बेटियां आगे नहीं पढ़ेगी। सरकार सिर्फ बोलती है लेकिन कर दिखाना हम समाज सेवियों का काम है। जैसे जैसे हम लोग इकट्ठा होंगे, एक एक करके हमारा कारमा बनेगा, तब ये पटना सिटी नहीं, ये पटना नगरी जो है, जिस जमाने में अजीमाबाद की धरती हुआ करती थी, कुसुमबाद की धरती, आज हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का जो अपना परिचय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज हिंदू और मुसलमान जो अल्लाह के और ईश्वर के सारे हम एक बंदे हैं, और मजहब कभी ये नहीं सिखाता है कि आप अमीर हो आप गरीब हो, हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसानियत से बड़ा जीवन में कुछ नहीं होता है, इसलिए जाति को छोड़कर सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना। जो असमर्थ है माता पिता बच्चों की शादियों में, उनको भी हम लोग सहयोग करेंगे निश्चित तौर पर। हमारा ये सोने की चिड़िया भारत फिर बने, और ये पटना सिटी हमारी जन्मभूमि है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, राजा अशोक का जन्म हुआ, उनको सपनों को मैं साकार करने के लिए आज आप लोग के बीच में खड़ी हूँ। जय हिंद। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम रोटरी के अध्यक्ष के नाते आज बाल दिवस पर बच्चों के लिए हम बोले हैं कि आगे जो भी रोटरी की तरफ से मदद होगा हम करेंगे, और अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि अध्यक्ष के नाते जब भी हमको इस टाइप का काम के लिए बुलाया जाएगा हम सक्रिय हैं। और हमारे डॉक्टर अजमी साहब भी रोटरियन हो गए, और जब भी मेरे कहेंगे और जब भी सम्मी साहब बोलेंगे हम आकर हर कोशिश करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, बच्चे लोग को बहुत बहुत बधाई, और हम लोग जो दे रहे हैं आज सम्मी साहब को, हमेशा जब भी मेरा जरूरत होगा हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं।